बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम हैं सियालकोट में, शादी की शॉपिंग के सिलसिले में आए हुए थे। काफी दिन पहले मैंने अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करवाया था, आज लेना है पासपोर्ट, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम लग गया, तकरीबन 3:30 हो रहे हैं। कितने बजे तक खुला रहता पासपोर्ट ऑफिस? 5 बजे तक। तो अभी हम ड्रामा वाले चौक है, यहाँ पे रश भी बहुत होता, पहुंचते जावांगे। तुहाडे यार ही नहीं आ रहे हैं, जाने लई तैयार वेट हो रहा सिर्फ मुदस्सर भाई का। मुदस्सर भाई जो है वो मिसिंग है, वो पीछे है, तो हम इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के। लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया, बाकायदा गर्मी की आमद आमद है। ए भाई जो है इनकी नई जिंदगी में आमद आमद है। कांग्रेचुलेशन भाई जान। थैंक यू भाई जान फॉर कमिंग सून डेज। यस, थैंक यू सो मच माय ब्रदर फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एवरीथिंग माय ब्रदर। जैन भाई की जिंदगी में आने वाले जो दिन है काफी क्रूशियल है। खैर, फीडबैक लेते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है। एनी टिप्स फॉर मी? हाँ, वो देते रहेंगे ऑफ कैमरा। अभी दें, सब्र तहम्मुल, मुज़ाहरा करना, करते रहना, कंसिस्ट रहना उदेच। तो खैर, अभी जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। एयरपोर्ट से ड्रॉप करांगे, तू ही जाओ। उन्होंने कहा हुआ था कि 5 तारीख को मिल जाएगा, अब देखते हैं क्या बनता। 5 को? आज 12 हो गई है। आज 12, देखते हैं क्या बनता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे लस्सी का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। लस्सी है, चोपड़ी हुई रोटी है, आलू मेथी का सालन, दही। कल से सियालकोट गए हुए थे तो पासपोर्ट जो है वो नहीं मिला था। पासपोर्ट की जो डेट थी ना, क्या कर रहे हो? वैसे टोकन पे लिखा हुआ था कि 5 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन कल थी 12 तारीख, तो कल भी नहीं मिला। अभी भी उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता हो सकता है, टाइम लग जाए। एक मिनट दिखाओ, ये नीचे वाला दान निकल रहा है बच्चे, ये जो ऊपर वाला ना, इसको उखाड़ना पड़ेगा। दांत निकल गया, दिखाओ तो सही, दिखाओ पापा, तो दिखाओ तो सही, कैमरे में दिखाने। अनाया का दांत जो है वो टूट गया, पीछे वाला दिखाओ, निकल, वो पीछे उगा हुआ पहले से, दांत चिड़ी ले गई। माशाल्लाह अनाया 7 साल की हो गई है, दिखाओ तो सही पापा को दिखाने। तो ये देखो, ये वाला दांत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी जैन भाई की शादी का कार्ड मिला है हमें, मुकर्रम फैमिली। ये कुछ इस तरह का सीन है जी, और यहाँ पे जैन भाई के कज़न की एक शादी है, उसका भी मिला हमें कार्ड। ये डिफरेंट स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम सर, किथे जाना दसो? बाल कटान। नहीं नहीं नहीं, वो बाल कटाने हैं मेहंदी से एक दिन पहले। तो पहले बड़े दिन ना, लेकिन नहीं हो एने भी ज्यादा नहीं हो। माशाल्लाह जी, इधर की बात है। हम अपने कपड़े ले आए हैं जाके वहां पे, हमारे ने लेके आए। मैं और भाई मशर गए थे, भाई मशर के कपड़े सिलाई करने के लिए दिन, ठीक है। मैं पूछा मेरे सीप के दिन, ना का सीप के दिन तुम्हारे ये रह रहे हैं। इस तो पहले भी यार, तो ही पहले जो सिलाई हुए हैं ना, इन्होंने पता की किया ही, इन्होंने साढ़े भी लैंदे हैं, लेकिन अपने घर रख छड़े। नहीं नहीं, और मैं फिर उठे गया, वो आंदे ने ओ ते ओ लै गए ने, बंदा दस ही छड़दा यार, तुम्हारे कपड़े आ गए ने मेरे कोल। जिथे जरूरत पेगी, एक उंगली ते खलौना पिया खलोवांगे, कोई मसला नहीं। जिथे तुम्हारी शाय होगी अपनी होगी, पहले तुम्हारी लाँगे, बाद अपनी लाँगे। कोई गल नहीं, वीडियो में भी लड़का ये साबित करने की कोशिश करता है हम गलत हैं, ये सही है। हमारी वीडियो में भी यही साबित करने की कोशिश हो रही है कि वोट पाओ, बंदा सही है। ना कर करो वोट आने से वोट पाओ। हे उन तोड़ा एस्टन तारा चमक गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रहा अपना कैश, 10-10 वाली ये दो गठियां हैं बड़ी बड़ी, और ये मेरी स्क्लैन भाई के पास आ गई थी। हाँ जी, मैंने सर सोचा पहले कि मैं रख लूँ, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नए नोट लूंगा। ये तो यार अभी नवे न, ये तो सेकेंड है ना, बिल्कुल प्योर नवे। हाँ जी, वो धुले हुए हैं,
धुले हुए यार, मतलब अच्छे नोट ने यार। अभी लसर भाई है, आ गया शापर अपना, वेखो माशाल्लाह। सर आपकी शादी की तैयारियां, मेरे पास पहले से 14,000 पहला पड़ा, 34,000 हो गया। 100 वाली, 50 वाली है लैदा, 50,000 हो गया। हाँ 50,000 और भी कोई नोट थोड़े देन चाह दस, जो थोड़ा दिल करे, कोई मसला नहीं है। ये सर अपनी मर्जी है, हस्बे फी लाख भी सोच सकते हो। हाय हाय हाय, नहीं नहीं, लेकिन मैं कह तैयारी है, नहीं कह है इंशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे अपने पास है बाकर खानी और साथ है दूध। ये क्या हो रहा है, वो ज़ियान किधर बैठ गया हुआ है? टोकरी में ही बैठ गया हुआ है। झूला दो भाई को, भाई ज़ियान की तरफ देखो, पीछे कहना वे भाई तिक्का नहीं, खुद चलाओ, तुम जोर नहीं आया करता तड़े। चलो चलो तिक्का आ गया, चलो 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 चलो, जोर लगाओ भाई का, कितना वजन ज्यादा हो गया। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम जा रहे हैं सियालकोट, आज गाड़ी की हमने करवानी है सर्विस। सर्विस जो होनी थी ना गाड़ी की, वो होनी थी तकरीबन 1,000 रुपये उन्होंने कहा हुआ था, लेकिन अभी गाड़ी इस वक्त जो है ना मीटर बता रहा कि 1300 किलोमीटर चल चुकी है, और आज इंशाल्लाह सर्विस होगी पहली। और उसके अलावा जनाब और एक दो काम है, नंबर जो है वो भी हमने लगवाना है इंशाल्लाह। देखते हैं कि आज कौन कौन सा काम जो है वो होता है और कौन कौन सा नहीं होता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली सर्विस ट्यूनिंग कह लें आप करवाने के लिए पहुंचे हैं। ऑयल जो है वो मेरा ख्याल 4,000 भी चेंज होता है ना, ऑयल 5,000 सिर्फ ट्यूनिंग हो गया आज। ये ना ऑनलाइन मुदस्सर भाई ने बॉक्स एक मंगवा के दिया था, कहाँ पे लगना है ये कंप्यूटर कवर, कंप्यूटर कवर है। अच्छा कंप्यूटर भी आया, अच्छा जी। हाँ मीटर वगैरह को जो मैनेज करता है, अच्छा ये इसका लगा दो फिर देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली ट्यूनिंग जो है वो हो चुकी है। शोर काफ़ी है यहाँ पे, जनरेटर चल रहा है उस साइड पे, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी अपनी आएगी नीचे और अभी हम जा रहे हैं वापस। असल में ना मेरी जो है ना इनवाइसेस हमारी गाड़ी की नहीं आई हुई थी, वो मेरे नाम में कोई मसला था जिस वजह से नहीं आई थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनवाइस जो है वो आ चुकी है, आज ही हमें मिली है, तो इंशाल्लाह अब जो है ना वो नंबर अपना लग जाएगा। अगर एक्साइज का ऑफिस आज खुला हुआ ना तो आज लग जाएगा, और नहीं तो मतलब कल लग जाएगा। खैर लेकिन अभी फ़िलहाल हम उसी तरफ जा रहे हैं। अभी दोबारा ना पासपोर्ट ऑफिस आया हुआ था, और अभी आज भी पासपोर्ट जो है वो नहीं मिला, ये दूसरा चक्कर मेरा लग गया। यहाँ पे ना जो टोकन पे डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 5 तारीख, ये 5 को आपको मिल जाएगा, लेकिन आज है 15 तारीख। एक दफ़ा मैं 12 तारीख को आया था नहीं मिला, अब 15 तारीख को भी आया हूँ, तो अब उन्होंने कहा जी कल मिल जाएगा आपको 8-9 बजे। तो बस हालांकि मैंने जो जमा करवाया हुआ है वो अर्जेंट जमा करवाया हुआ है, अर्जेंट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चों के लिए यहाँ पे वाइट बोर्ड लिया हमने,
साथ लिए हैं पॉइंटर डस्टर आयान के लिए, बुक ली है राइट साइड ये डॉट ली था अहमद मशर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਚ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਾਕ ਹੀ ਚਾਕ ਚਾਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਈਟਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਕ ਕੇ ਸਾਥ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਬੱਚੂ ਕੇ ਲਈ ਦੇਖੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੀ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਗਾੜੀ ਹਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ गाड़ी के काफ़ी सारे काम करवाने वाले एक तो ये लगवाया ये देखें हाय 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 और अभी ना मौजम भाई जो है ना वो जब भी गाड़ी में बैठते हैं उनका जो दिल है ना वो ख़राब होता है तो ये एक परफ्यूम है भाई रखो जी हाँ इसका ये फ़ायदा है कि दिल जो है ना इससे ख़राब नहीं होगा फ्रेशनेस आएगी लाइट ये लाइट टूट गई थी जो मुकल्लफ भाई से गाड़ी लग गई थी तो ये लाइट भी चेंज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह ये और ये दोनों चीज़ें ना ये मुकर्रम भाई की फरमाइश पे लगाई है मुकर्रम भाई इनका बड़ा फ़ायदा यार बारिश में पानी शानी से बचती है अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से सारे काम ख़त्म करने के बाद हम पहुंचे हैं मुबारक भाई के पास अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई का घर जो है ना वो आगे है गली में तो हमने ना गाड़ी वहाँ भी जा सकती है लेकिन हम पार्क करके गए थे उस साइड पे ये खाली जगह थी तो गाड़ी पहुंच चुकी है हैंड ब्रेक जो है ना वो उठाने का याद नहीं रहा तो गाड़ी रोड के दरमियान आ चुकी है यार मैंने बोला की लगा मैं क्या शायद मैं सोचा शायद मैं क्या कोई काला पिछे लैके आंदा मैं खुद भी परेशान हो गया हुआ हैंड ब्रेक नहीं उठाई लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये दीवार के साथ नहीं लगी मुकर्रम वैसे मेरे दिन में पता क्या आया था मैंने कहा यार रोड के दरमियान में पार कर गया मैं तो बड़ा रोड परेशान हूँ इस साइड पे भी ये नाली है इसमें भी गिर सकती थी और इतना ही रास्ता उस साइड पे भी आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ये नाली है तो शुक्र है यार सीधी सीधी वापस गई है यार मैं बड़ा हैरान हुआ यार बशर भाई कह रहे हैं सदके जावा तेरी ड्राइवरी थी हैंड ब्रेक नहीं ना उठाई इस वजह से शायद हैरान की सानु भी बड़ी अब देखे ना पूरा रोड रोक गया हुआ है आप दिखाएं जरा इधर ये रोड है मेन ये सड़क है देखें पक्की लेकिन इस टाइम यहाँ पे आता कोई नहीं लेकिन अगर कोई आ जाता ना सही हो गया ड्रामा ही हो गया ठीक हो गया